इंटरव्यू लेना पड़ेगा। चलो ओके, सबसे पहले जेई वालों का क्वेश्चन है और खास अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो रिलेशन गए उस रिलेशन पे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्फा बाय बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ए थीटा, इसकी अगर बात करूं तो ये किसी के पावर में, किसी के क्या पावर में, पावर में मोस्टली क्या रहता है, नंबर्स रहते हैं, नहीं पता नंबर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब ये जो वैल्यूज है वो क्या होगा, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, मतलब एम नॉट एल नॉट, मेरी बात समझ में आया। तो इसका मतलब जिसका पावर डायमेंशन लेस है मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, वन, नहीं समझ में। अगर उसका वैल्यू वन हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा का अगर वैल्यू निकालता हूं ए क्यूब बाई क्या होगा जेड, यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, नहीं समझ में। अब सोच इसी में अगर ये वैल्यू क्या है, डायमेंशनल लेस है, तो अगर उसका वैल्यू पूरा अगर क्या लिखूंगा वन, तो ये भी एक क्वांटिटी बन गया, ई का वैल्यू तो कन्फर्म है, तो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, नहीं समझ में। और अपन उस दिन लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़े, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में कैसे हो सकते हैं, डायमेंशनली परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन फिजिकली परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये अब ये क्वांटिटी हो गया, मतलब एक नंबर आ गया, तो उस नंबर को मैं अगर एलिमिनेट कर दूं तो इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अच्छा बताओ यहां से पूरे क्वांटिटी को क्यों हटाया हूं, यहां पी इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा 125, इसका कोई फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि डायमेंशन ही करेक्ट चाहिए और ये जो बता रहा नंबर ही बता रहा, क्योंकि ई का वैल्यू तो पड़े अब, नहीं समझ में। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया अपन, एलिमिनेट कर दिया। यहां तक कितने को डाउट, यार किसका वैल्यू निकालने बोला है, बीटा का निकालने बोला, तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा अल्फा बाय पी, बीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कंफर्म्ड है के क्यूब जेड और साथ में क्या चल रहा पी, तो बीटा इज इक्वल टू के क्यूब जेड, चलो ठीक है, ये साथ में क्या आ गया पी, टेम्परेचर क्यू को क्या बोला थीटा इज टेम्परेचर, और ये क्या था प्लांक कांस्टेंट, दोनों मिला के क्या बनाते हैं जूल, तो वन जूल इज ए जूल हो गया, ये क्या चल रहा था डिस्टेंस, क्या हो गया मीटर, पी प्रेशर, प्रेशर क्या होता पास्कल, वन पास्कल इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स को भी क्या लिख सकते हैं अपन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों आया नीचे, समझ में आ गया ना, मीटर स्क्वायर होता है, एक बार कैंसिल कर दे। चलो अब डायमेंशन फॉर्म में निकालो एम वन एल टू टी माइनस टू, फिर क्या चल रहा है एम जीरो एल वन टी जीरो मीटर, फिर इसका क्या निकलेगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, वन वन जीरो एम जीरो है क्या कहीं पे इसमें, ठीक, और क्या दोनों जीरो एल टू, यस दोनों में बचा क्या टी, कितना चल रहा माइनस टू, माइनस टू कैंसिल, तो टी जीरो किसमें आ रहा है, नहीं समझ में, बन जाएगा नहीं बनेगा, क्या समझ में ऐसे इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपन क्या सीख पावर वाला, अब वो दिमाग अपने दिमाग में, वो बात अपने दिमाग में आप बैठनी चाहिए कि जब भी पावर रहेगा तो किसमें आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और कोई कोई भी क्वांटिटी होता है वो किसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, डायमेंशन को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप को क्या कर सकता वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ओके। By, x given by is equal to क्या चल रहा है epsilon naught l del v, साथ में क्या होगा del t, first epsilon naught कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये relate करता फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला, सबसे सिंपल फार्मूला f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by क्या था r square, क्या यहां से निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा epsilon naught is equal to q1 कूलम, कूलम मीटर स्क्वायर डिस्टेंस था, एफ इसके नीचे आ जाएगा तो न्यूटन, ये डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ आपको रट लिखना नहीं, मतलब अभी तो मैं निकाल के दिखा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको याद होना चाहिए डायमेंशन फार्मूला इसका याद होना चाहिए। कूलम को मैं लिख सकता हूं एम्पीयर इनटू मी, एम्पीयर इनटू सेकंड, एम्पीयर इनटू सेकंड इट बिकम्स एम्पीयर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन क्या चल रहा है मीटर स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिला एम्पीयर स्क्वायर सेकेंड फोर
पर केजी मीटर क्यूब, नहीं समझ में? आज तो बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में याद रखना. MLTA, मास माइनस वन, लेंथ माइनस थ्री, टी फोर प्लस फोर, एम्पियर टू, कितनों को डाइजेस्ट हो गया याद रहेगा? माइनस वन माइनस थ्री फोर टू. स्टार्टिंग के दो ऑड है, दो क्या इवन है, दो इनिशियल जो ऑड है वो नेगेटिव रहेगा और दो जो इवन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव. वन थ्री फोर टू याद रहेगा ना, याद कर लेना. अब उसके बाद किसकी बात आते हैं, लेंथ. एल एल क्या है यहाँ पे, लेंथ. लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर. मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो सॉरी एल वन टी जीरो. ओके, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़े ना, वर्क डन बाई चार्ज. ओके, तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, वन जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वन कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड, इट बिकम्स कूलम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड. डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी ए, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, नहीं समझ में, कन्फर्म. अब क्या बचा, टी, टी इज द टाइम, डेल टी क्या टाइम, एम नॉट एल जीरो टी वन, कन्फर्म हो गया. सारे वैल्यूज को लाके यहां सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ याद रहेगा एम वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टी, एल इज अ लेंथ, एल वन टी जीरो, डेल वी एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी वन. चलो इनिशियली अपन यूनिट सॉल्यूशन करते हैं, पहले कोई मैटर नहीं रखता, दोनों जीरो. अच्छा आपको पता तो होना चाहिए ना किसका है, ठीक है? सबसे पहले अब तो निकाल तो लूंगा मैं, लेकिन किसका ये पता नहीं चल रहा. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वी बाई आर, वी मतलब पोटेंशियल, क्या चल रहा पोटेंशियल का, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, डिनोमिनेटर का करंट एम्पियर, तो क्या हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू. यार जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो क्या आ रहा है, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया जीरो, तो जो मेरा इनिशियल वैल्यू आना चाहिए जीरो, जबकि इसमें इनिशियल एम बच रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकता. वोल्टेज की बात करूंगा, वोल्टेज में भी क्या आ रहा है, नहीं हो सकता. चार्ज की बात करूंगा, चार्ज कूलम, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू कूलम, वन कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर का क्या होगा एम जीरो एल जीरो टी वन और ए वन, हाँ ये हो सकता है. करंट फोर्थ क्या है, ओनली करंट, मतलब एम नॉट एल नॉट सॉरी एम जीरो एल जीरो टी जीरो और साथ में क्या हो ए वन, इन दोनों में से कोई हो सकता है. नहीं समझ में मेरी बात, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. एल की बात करते हैं, माइनस थ्री माइनस टू जीरो, दिखा वन टू थ्री माइनस थ्री जीरो, क्योंकि मैटर नहीं रखता. तो बताओ दोनों के पास किसके पास है जीरो, यस इसके पास है, इसके पास है. एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको पीछे बताओ, पीछे यहां ध्यान लगा. इसकी बात होती टी, टी माइनस फोर प्लस फोर जीरो, तो क्या दिखा, क्योंकि ये तो बच रहा है, नहीं समझ में सॉल्व कैसे करना, बन जाएगा. सुन लो, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आपको याद रहना चाहिए ये, ठीक, और एल सॉरी वी एल सी आर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, सारे डायमेंशन फॉर्मूले याद रहना चाहिए. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय.